अब क्या कारण है कि तेजस्वी यादव पिता को भी इनकार कर रहे हैं? लगता है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनको बर्खास्ते कर देंगे, क्योंकि बुनकर का व्यवसाय है गमछा बनाना। अब बुनकर कौन है? अल्पसंख्यक मुसलमान है क्या? उन पसमंदा मुसलमानों से आपके उनके व्यवसाय पर चोट करना आपकी मंशा है? क्या तेजस्वी यादव लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने जा रहे हैं? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तेजस्वी यादव लालू की अब बात नहीं मान रहे, और बहुत जल्द ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है जेडीयू के प्रवक्ता का। जब से गमछा पे तेजस्वी यादव ने रोक लगाई है, तब से सभी पार्टियों में हलचल मचा हुआ है कि कहीं तेजस्वी यादव आरजेडी के उस जंगल राज वाले प्रवृत्ति को खत्म करके एक नई पार्टी का उदय न कर ले। अब इस पर जेडीयू के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आपको भी सुनना चाहिए। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि आगे आने वाले समय में जो कार्यकर्ता समाज होना है उसमें हर एक गमछे से परहेज करे। तो क्या कारण है कि बार बार आरजेडी को अपने गमछे से बड़े जुलूस निकालने से अति उत्साह से बचने की सलाह अपने कार्यकर्ताओं को देनी? जहाँ तक मुझे स्मरण है कि सितंबर 2021 में माननीय लालू प्रसाद जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी पहचान के लिए गमछा रखने का निर्देश दिया था। पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को उन्होंने बनाया, लेकिन पिता की के आदेश को दरकिनार किया जाना ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं रहा है। अब क्या कारण है कि तेजस्वी यादव पिता को भी इनकार कर रहे हैं? लगता है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनको बर्खास्ते कर देंगे, बिना बर्खास्त के ही मानेंगे नहीं। और साथ ही साथ कारण तो बताइए, कोई भी नीतिगत फैसला अगर हम लेते हैं, जैसे हम विशेष दर्जा की मांग कर रहे थे तो हमने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि अगर नीति आयोग मापदंड में बदलाव नहीं कर सकता है तो हमको विशेष पैकेज दे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यह स्पष्ट नहीं कर रहा है गमछा से तकरार क्यों हो गया, और वह गमछा जो तेजस्वी यादव जी खुद रखते थे, मुरेठा बांधते थे। तो भाई लाठी से परहेज करिएगा, मुरेठा से परहेज करिएगा, गमछा से परहेज करिएगा, और टोपी तो पहनाइए चुके हैं, कितना टोपी पहनाइएगा, क्योंकि बुनकर का व्यवसाय है गमछा बनाना। अब बुनकर कौन है? अल्पसंख्यक मुसलमान है जो गरीब है, पसमंदा है क्या? उन पसमंदा मुसलमानों से आपके उनके व्यवसाय पर चोट करना आपकी मंशा है? अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।